हाल चाल सबके, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल गेमर नीलू में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल की बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिसकी सहायता से आप लोग देखिए एक मिशन हम लोग का आया है जो कि लगातार आते ही रहता है यार, कि 200 मीटर दूर हम लोग अपने इनेमी को कैसे किल करें, 300 मीटर दूर अपने इनेमी को कैसे किल करें। तो यार इसकी बहुत ही अच्छी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को अगर आप यूज करते हो तो आप सिर्फ एक बार पर ही अपना ये मिशन कम्प्लीट कर पाओगे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है मेरे भाई। तो यार अगर आप भी जानना चाहते हैं ये ट्रिक तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओ और साथ साथ बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने लॉबी पे, वहां पे आपको सारी बातें समझा देता हूं। तो मेरे भाई देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने लॉबी के ऊपर। लॉबी में मैं आपको पहले कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जिससे आप लोग बोलो कि ये फेक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने मिशंस पे चला जाता हूँ। मिशंस पे देखिए यहाँ पे हमारा चैलेंज मिशन पे देखिए यहाँ पे देखिए हमारा एक बार कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार जो मैंने ये कंप्लीट किया देखिए 200 मीटर दूर थ्री अवे तीन बार मारना है, मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया। तो एक बार मैंने इसी ट्रिक से किया है, मैंने एक बार कोशिश की है होता है कि नहीं ये हो गया, उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए ये ट्रिक लेके आ रहा हूँ। तो देखिए और भी एक ट्रिक है मेरे भाई जिसमें आप लोग को मैं बताऊँगा। देखिए किल ए माफ कीजिए शायद यहाँ पे टू पे है, देखिए टू पे देखिए किल इनेमी फ्रॉम 300 मीटर अवे वंस, मतलब 300 मीटर दूर एक इनेमी को मारना है, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज है यार, आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बाद ही आप मार पाओगे। लेकिन इस ट्रिक की सहायता से आप लोग आसानी से कर पाओगे, दोनों मिशन आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए दिखाता हूँ, मेरा एक फ्रेंड ये डीजे महामहिम है ना, वो देखिए ऑनलाइन है। अब हम दोनों क्या करने वाले हैं, साथ में मैच स्टार्ट करने वाले हैं। आपको भी देखिए बिल्कुल साथ में देखिए मेरा इरंगल है, क्लासिक लगा हुआ है, सोलो पे एशिया सर्वर पर, आप लोगों ने सारा चीज़ देख लिया। और यार अपने दोस्तों को यार डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करवा लेना, कॉल कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन दोनों एक साथ मैच को स्टार्ट करो। देखिए हम दोनों ने एक साथ मैच स्टार्ट किया, एक साथ हम दोनों को मैच मेकिंग मिल गया और मैच भी हमें एक साथ मिल गया। लेकिन इसमें देखिए कभी कभी प्रॉब्लम होती है, वो क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे यार कि मेरा मैच मेकिंग नहीं हुआ मेरे फ्रेंड के साथ। तो उसके लिए देखिए ये हर बार नहीं होता, ये लगभग हर ही बार हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता लेकिन हर बार हो ही जाता है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप लोग दोबारा रिस्टार्ट कर लेना। लेकिन आपको देखिए कभी कभी हो सकता है आपका फ्रेंड आपको ये लॉबी पे ना देखने को मिले, लॉबी पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग प्लेन का डायरेक्शन उससे अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आपका प्लेन किधर से किधर जा रहा है, क्योंकि अब तो हमें यहाँ पे वेटिंग एरिया पे दिख जाता है कि प्लेन किधर से किधर जाएगा। तो वैसा आप लोग पूछ सकते हैं, अगर एक ही जगह है तो आप लोग एक ही मैच पे हो उसका टेंशन मत लेना। तो देखिए मैं जरा से भी देखिए यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे मिलिट्री बेस से मेरा जोरजो पुल जा रहा है, उससे भी मैंने पूछ लिया कि भाई तेरा प्लेन किधर से किधर जा रहा है, उसने भी बोला मेरा भी भाई यहीं से यहीं जा रहा है। तो इससे मैं श्योर हो गया कि हम दोनों का प्लेन एक ही है। लेकिन इसमें आप देखिए मेरा दोस्त को मैंने बहुत ढूंढा, लॉबी पे नहीं मिलता है यार, मैंने बहुत बार देखा, वो भी इस बंदे को देख पा रहा था जो उछल रहा है, मैं भी उसको देख पा रहा था, दोनों इसी के पास आए, दोनों ने इसी को मारना स्टार्ट किया। तो आप लोग भी ट्राई करना कभी अगर आपका दोस्त हो तो, कभी कभी दिख जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, कभी कभी दिख जाता है वहाँ पे लॉबी पे, लेकिन कभी कभी नहीं दिखता है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ जब प्लेन उड़ गया तो देखिए हम दोनों एक ही मैच पे आ गए हैं, देखिए मैं भी सोलो में हूँ वो भी सोलो में है, हम दोनों एक ही मैच पे आ गए हैं। अब एक ही मैच पे आने के बाद हमें देखिए क्या करना है, कोई सेफ इलाका उतरना है, ठीक है, कोई भी सेफ इलाका। तो मुझे तो सबसे यहाँ सेफ जर्की लग रहा है, तो जर्की ही जाऊँगा मैं। तो यार आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को आपको वहीं जाना है, दोनों को साथ ही उतरना है, उतरते हुए भी बहुत चीज़ ध्यान रखिए यार, क्योंकि हो सकता है कि और भी बंदे वहाँ पे आ जाएं, क्योंकि देखिए मेरा केस में तो देखते हैं अभी आगे जाके क्या होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत से बंदे आ जाते हैं वहाँ पर, फिर आपस में ही हम लोग लड़ मर के मर जाते हैं। तो उससे बेटर है कि आप लोग पहचान के लिए कपड़े सेम कर लो, कपड़ों के रंग पहचान लो, या फिर क्या करो यार कुछ भी कर सकते हो, कपड़े उतार दो यार, कुछ भी करो, गेम है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि हमें जाना है यहाँ पे सीधे जर्की जाना है, जर्की पे वहाँ पे क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है बंदों का आने का, जर्की जा सकते हैं, कामेस्की जा सकते हैं, लिपोपका जा सकते हैं, ये सब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे जा सकते हैं आप लोग मिशन कंप्लीट करने, ठीक है, मैं नूब की तरह नहीं खेलने बोल रहा हूँ आप लोग को, ये भी याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ मिशन कंप्लीट करने का। मिशन कंप्लीट करने के लिए आपको कोई सेफ तो जाना ही होगा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्लेन हमारा उतरने ही वाला है, तो हम दोनों कूदेंगे और आप लोग देखिए एक साथ कितने बंदे हम लोग के साथ कूदे, ठीक है, तो आप लोग बस देखना। तो प्लेन को उतरने देते हैं थोड़ा सा और, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कूदे, बंदे तो नहीं दिख रहे, दो तीन बंदे दिखे थे मेरे को पीछे अभी देखिए, लेकिन वो लोग पीछे रह गए, तो अभी तो मेरे को मेरा दोस्त भी नहीं दिख रहा है कहीं, अब पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, वो कहाँ है। देखिए मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि मेरा दोस्त कहाँ है,
तो पहले मैं उतर जाता हूँ, हम दोनों उतर के देखते हैं उसको। मैंने बोला कि देखिए मैं खोज रहा था, यहाँ नहीं मिल रहा था, तो हम लोग डिस्कॉर्ड पे बात कर रहे थे, तो हमको लगा कि यार कहीं गलत मैच मेकिंग तो नहीं हो गया। लेकिन फिर उन्होंने बोला यार प्लेन पे तुम्हारा नाम तो था। वही बोला हाँ, तो फिर वो जो हरा वाला घर आपको दिख रहा है सामने, मैंने बोला चल उस हरा वाला घर पर उतर, दोनों वहीं पर उतरते हैं। फिर वहाँ से थोड़ी सी लूट करके आपको वीडियो तो स्किप कर दूंगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अभी शायद मेरा दोस्त दिखा था ऊपर, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हम दोनों हरा वाला घर पे उतर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उतर गया हरा वाला घर पे, ये हरा वाला जो घर है, और वो वहाँ पे उतर गया। मैं ऊपर ढूंढ रहा था उसको, लेकिन वो बोल रहा है मैं तो यहाँ वेयर हाउस पे उतर गया। तो पीछे जो वेयर हाउस थे वो वहाँ पे उतर चुका है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला काम हम लोगों ने किया कि यहाँ पे हमें गन ढूंढना है, गन ढूंढना है, एक बड़ा स्कोप ढूंढना है। ठीक है, गन के साथ एक बड़ा स्कोप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बड़ा स्कोप नहीं है तो आपको ये मिशन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि 200 मीटर 300 मीटर दूर जब हम जाते हैं तो बंदा दिखता नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम दिखता है। तो दिख जाता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम दिखता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले यार गन ढूंढो। तो यार अगर गन नहीं मिलेगा, स्कोप नहीं मिलेगा, तो उससे हम लोग को मारेंगे कैसे। लेकिन देखिए अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना, तो इजीली मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ मेरे भाई, कि कोई भी मिशन हो, कितना से दूर रेंज का हो, उसमें आप लोग इजीली इजीली ये मिशन कंप्लीट कर पाओगे। और अपने यार फ्रेंड की सहायता से तुम्हारा, देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, तो यही मेरा फ्रेंड है, तो इसको शायद गन मिल चुकी है। तो अब उससे मैं गन ले लूँ, या फिर पहले उसके पास शॉटगन था, शॉटगन से तो कुछ होगा नहीं, तो उसने बोला मेरे पास शॉटगन है, तो शॉटगन को छोड़ के हम लोग गन ढूंढने लगे। तो यार अब वीडियो को थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बोरिंग हो रहा है। तो यार थोड़ा सा स्किप करता हूँ, उसके बाद आप लोग को मज़ा भी आएगा। तो स्किप करके मैं वहाँ चल जाता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने गन लूटा था। तो यार फाइनली मुझे मिल चुकी है VSS, जो कि उसमें ऑलरेडी 6x के करीब लगा हुआ रहता है स्कोप। तो मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, अब मैंने उसको बोला अपना हेलमेट वेस्ट उतार दे ताकि एक शॉट में मैं उसे मार पाऊँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली देखिए ऐसा कोई जगह ढूंढना है, देखिए क्योंकि बहुत दूर का फासला होता है ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग को कुछ ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ से आप लोग अपने बंदों को श्योर देख पाओ। तो वो जो घर था मैंने उस पर बोला तू उसके जाके छत पर चढ़ जा, क्योंकि यार वो घर का छत बहुत ही ऊंचे में है तो बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा यार कोई अब एटेक्स मेरे को मिल गया, तो एक और कोई स्नाइपर वगैरह मिल जाए तो उसमें भी मज़ा आ जाए। तो लेकिन मेरे को स्नाइपर मिला नहीं, और वो बंदा मेरा जो था वो चढ़ गया वहाँ पे, तो चढ़ने वाला है शायद, माफ़ कीजिए। तो मैंने वहाँ का दूरी नापा कि कितना मीटर हो रहा है, तो देखिए दूरी मैं माप लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको शूट करना। देखिए दूरी मापते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको लगेगा कि हो चुका है बट हो नहीं रहा है, देखिए होता नहीं है। ठीक है, अभी देखिए 75 मीटर ही हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 75 मीटर यहाँ से, लेकिन वो क्लियर मुझे दिख रहा है। तो मैं थोड़ा दूर जाता हूँ वहाँ पे, अपना 200 मीटर पूरे नाप लेना है। ठीक है, अगर आपका 200 मीटर का मिशन है तो 200 मीटर आपको माप लेना है कि उतना दूर हुआ कि नहीं हुआ है, या 300 मीटर का है तो 300 मीटर माप लेना है। अब मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ मेरा हुआ कि नहीं हुआ 200 मीटर। तो यार अभी तक नहीं हुआ यार, अभी थोड़ा और जाना होगा, तो चला जाता हूँ यार। उसमें क्या है, थोड़ा और हमें पीछे जाना है, तो पीछे जाके अब मैं देखता हूँ कि अब हमारा शायद हो सकता है इस बार। तो यार बहुत दूर, काफ़ी दूर हो गया, अब नहीं होगा 200 मीटर, हाँ हो जाना चाहिए। तो देखिए अब हमारा 200 मीटर नहीं हुआ यार, 168 मीटर, क्या बात है, वाह बहुत ही मज़ेदार है यार। अभी तो और जाना होगा, अभी मुझे लग इतना दूर, देखिए 200 मीटर इतना दूर होता है, 300 मीटर आप सोच लीजिए यार आपके कितना मुश्किल होगा। तो फाइनली हमारा यहाँ 204 मीटर हो चुका है, तो 204 मीटर अब थोड़ा मैं साइड आ जाता हूँ, उसके बाद मैं अब इसे किल करने की देखता हूँ। तो इसको मैंने बोला सीधा रहा यार, बहुत पिक फायर कर रहा है ये। तो इसको मैंने क्या किया, VSS से पर रिलोड कर लिया, तीन ही एमओ था। तो अब मैं इसे हेडशॉट मारने वाला हूँ, तो एक ही शॉट पे वो मर गया, देखिए यहाँ पे एक ही शॉट पे बाय हेडशॉट वो मर चुका है। तो हमारा मिशन तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सिंपली आपको गेम को एग्जिट नहीं करना है, गेम को एग्जिट नहीं करना है, आपको यहाँ पे मरना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बम ढूंढ रहा था, लेकिन अभी देखिए मैं जो मरूंगा एक बॉट से मरूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो, आप लोग देखना। देखिए उसके साथ मैंने कितना मस्ती किया, ठीक है। तो अब मैं मतलब यहाँ पे बम ढूंढ रहा था कि यहाँ पे कहीं मुझे बम मिल जाए। तो चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें बॉट मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी मिल गया है यार। मैं यहीं पे बम वगैरह ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे बम मिल जाए, क्योंकि बम से मरने में ज़्यादा इजी होता है। एक कार भी नहीं थी जिससे मैं कूद के मर जाता, लेकिन बम तो मिला नहीं, लेकिन मुझे एक बॉट ज़रूर मिल गया। मेरे को अब उसकी आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा वो बॉट आ चुका है। तो बॉट को क्या करना, मुझे सिंपली मरना था। तो देखिए मैंने क्या किया, सिंपली इसके सामने डांस किया। अब इस बॉट को देखिए ये घर के अंदर क्यों गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया यार। ये अभी क्या
मूवमेंट करते हुए गया। आप लोग ने देखा एक चीज़, क्या मूवमेंट करते हुए गया। और देखिए मैं अब जब डांस कर रहा था ना तो उसका एक भी शॉट नहीं लगा। देखिए अभी मैं एक डांस करूँगा तो ये डांस मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अब देखिए इसका एक भी शॉट मेरे को नहीं लग रहा। क्या बॉट है यार, क्या एमिंग होता है इसका, इतने में तो हम लोग 4-5 आदमी को मार जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक भी शॉट उसका नहीं लग रहा, मेरा पूरा डांस स्टेप खत्म हो गया। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नज़दीक जाने पे क्या होता है, बॉट आपको भी ऑटो फायर करता है। देखिए जैसे मैं नज़दीक जाऊँगा, देखिए बॉट ऑटो फायर स्टार्ट कर दिया। देखिए ऑटो फायर में मेरा थोड़ा सा हेल्थ गया, लेकिन उसका भी रिलोड पे चला गया। ये क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार बॉट से मरने पे। उसके बाद हम लोग क्या किए, बॉट को स्पेक्टेट भी करेंगे कि बॉट हमें मारने के बाद स्पेक्टेट करने पे क्या होता है। तो देखिए फाइनली बॉट ने हमें मार दिया यार, अभी तक नहीं मार भाई मार, डांस करने पे तो मार ही नहीं पाता ये। तो यार फाइनली मार मेरे को यार, उसके बाद मुझे तुझे एक्सपेक्टेड करना है यार कि यार तुम क्या करते हो। तो देखिए फाइनली बॉट ने मुझे मार दिया। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा इसको एक्सपेक्टेड करके देखते हैं यार ये बॉट करता क्या है। तो यार जब मैंने एक्सपेक्टेड किया तो किसी और को एक्सपेक्टेड हो गया, ये नहीं मरा, तो जोर्जो पुल में मैं सीधा आ गया। तो अब मैं इस गेम को एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि इसको देख के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो एग्जिट करके देखता हूँ हमारा मिशन कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए थोड़ा सा मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा आप, ताकि आप लोग मेरे को फेक ना बोले यार, क्योंकि फेक कमेंट कभी ना कभी कितनी भी रियल वीडियो डालो यार फेक कमेंट आ ही जाते हैं। तो देखिए फाइनली मेरा यहाँ पे गेम ओपन हो चुका है यार, कितनी लेट लगाओगे यार। हाँ देखिए ओपन हो चुका है। तो अब हम लोग जाते हैं, देखिए मिशन पे तो कोई टिक नहीं आया। आप लोगों ने देखा था कि एक मेरा कंप्लीट हुआ था, कि अब मेरा दूसरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये देखिए अब मेरा दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी ट्रिक को यूज कर करके आप लोग अपने इस तरह के सारे मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो बताओ यार आपको वीडियो कैसी लगी, यार वीडियो पसंद आई तो यार सिंपली एक लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो अब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।